सिंध के काफी हसीन जा रही थी, फिर एक रैंडम बंदा आ गया और इवेंट में ना उतार के इधर उतार दिया। ये पागल कौन है? अभी मैं अपना खून भी बेच दूँ ना, फिर भी मैं इवेंट में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि इवेंट इतना दूर है, जाते जाते यार मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। मन तो काफी गया कि मैच को एग्जिट कर दूँ, फिर बॉट दिख गया। थोड़ी दूर जाने के बाद पता चला कि दो स्क्वाड के बीच बहुत तगड़ी झगड़ा हो रही है, तो सोची कि चलो थर्ड पार्टी कर लेते हैं। यहाँ पे लेटा हुआ एक बंदा दिखा जिसको मैं अभी नॉक कर देती हूँ, एंड जस्ट मैं उसको फिनिश करने जा ही रही थी मगर यहाँ पे मुझे दो और बंदे दिख गए। टीममेट से पता चला यहाँ पे कम से कम और दो बंदे रहेंगे, तो यार किल के लालच में मैं तो दौड़ पड़ी, मगर आगे क्या होने वाला था वो तो किसी को नहीं पता। एक ऊपर भी है, रुक जा, हम लोगों को भी आने दो। ओह नाइस, कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। awesome. मगर एक और बंदा मुझे स्पॉट हो गया जो कि इसी के टीम मेंबर था। नेक्स्ट हम रिकॉल टावर पे आते हैं, यहाँ पे एक बंदे की बहुत खूब पिटाई हुई। हम किस्मत बोलेंगे या फिर कुछ और, ये तो आप कमेंट में बताना। फिलहाल दो किल यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इसी के साथ 7 किल हो चुके थे। दूसरा एक बॉट मार के 8 किल करके अब इस मैच में मैंने सोच लिया कि कम से कम 15-20 किल तो करना ही है। बस यहाँ से जा रही थी, मुझे उठता हुआ दूर एक बंदा दिखा, बट सामने एक और स्पॉट हो गया था, तो मैं सोची कि इसको पहले निपटा लूँ। एक राक्षस उठता हुआ दिखा कंटेनर पे, तो इसे तो मारना ही था, मगर मुझे लगा कि टीममेट ने मार दिया, बट मुझे फिर दिख गया। अरे ये तो गिली सूट वाला राक्षस था बेचारा। अब देखो यहाँ से निकल ही रहे थे, दो थे और मुझे लगा कि चलो 13 किल कर लेते हैं, मगर यहाँ पे मेरे टीममेट ने किल करके चिकन डिनर करवा दिया, और इसी के साथ 11 किल्स चिकन डिनर हमारी हो चुकी थी। तो यार कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। अभी चलती हूँ, बाय।